राम जन्मभूमि पूजन अयोध्या में हो रहा है, किंतु पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहां भी सनातन धर्मावली रहते हैं बहुत ही हर्षित हैं। पिरवाड़ में संत जन व भक्त जनों ने खुशी जाहिर की। इस संबंध में भक्तों व संतों से बातचीत की लोकवाणी के वरिष्ठ संवाददाता मुरली मनोहर सेन ने। देखिए ये रिपोर्ट। बाद करीब रामलला का पुनः नया मंदिर बन रहा है। इस उपलक्ष्य में निम्बार्क आश्रम के श्री जी महाराज भी वहाँ गए हुए हैं और भीलवाड़ा में निम्बार्क आश्रम के मोहन शरण जी शास्त्री हमारे साथ हैं। ये रामलला मंदिर का जो आज भूमि पूजन हो रहा है उसके बारे में इनका क्या कहना है? आज 500 वर्ष के बाद और ऐसा सुंदर अवसर आया है कि एक सनातन धर्मावलंबी सभी का सौभाग्य की बात है साहब। पांच पिंडी, एक अगर 100 साल भी किसी व्यक्ति की उम्र माना जाए तो पांच पिंडी बीत जाने के बाद ये आज प्रारंभ हो रहे हैं और शिलान्यास हैं। यह तो हालांकि नवीन मंदिर हम लोग बोल सकते हैं, वैसे वहाँ पूर्व में ही मंदिर तो थे ही, रामलला तो वहाँ विराजित थे ही, बस यही है कि नवीनीकरण किया जा रहा है कि और भव्यता के साथ। पूर्व में छोटे से मंदिर विद्यमान रहते थे तो अब विशाल मंदिर निर्माण ठाकुर जी के लिए, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के लिए, और ये तो बड़ा ही हर्ष है सनातन धर्म के लिए। तो सभी भक्त का और संतों के ये जो एक प्रकार से एक साधना ही कहें, ये पूर्ण आज हुआ है और ये हम तो यही मानेंगे मोदी जी के कारण से ही हुआ है। तो ये रामराज की जो कल्पना की थी तो अब वो साकार होने जा रही है निश्चित, क्योंकि देखिए पूर्व में जब तक रामलला वहाँ विद्यमान रहे और सेवा पद्धति के अनुरूप थे तो एक प्रकार से रामराज्य के समान ही भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, यानी कोई ना कोई दम रहा होगा भारत में तभी कहलाई, नहीं तो क्यों कहलाती। इसीलिए उस समय जब से राम जी बाहर निकले टेंट में आए तब से ही भारतवर्ष का नक्शा थोड़ा सा यानी कमियाँ आने लगे हैं। तो आज राम जी विद्यमान होंगे 100%, ठाकुर जी राघवेंद्र सरकार ऐसी कृपा करेंगे, रामराज्य स्थापना रहेंगे होंगे। भारत के अलावा विश्व में कई देशों में, अमेरिका, फ्रांस आदि कई देशों में इसका सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं, इसके बारे में आपको कैसा लगता है? ये बहुत होना भी चाहिए। देखिए हालांकि अगर पुराने गहरे शास्त्रों के वेदों की बातों में जाएं तो पूरा ब्रह्मांड यानी ये विश्व ही एकमात्र एक ही सम्राट हुआ करता था पूर्व में और एक ही जगह रहा करते थे, एक ही वो था। तो अलग अलग देश हम क्यों माने, हाँ अभी फिलहाल जो व्यवस्था परिवर्तन के कारण से अलग अलग राजा प्रजाएं यानी मंत्री प्रधानमंत्री आदि आदि जो जो राष्ट्रपति आदि होते हैं उस हिसाब से अलग अलग हो गए, तो ये तो अति सौभाग्य हम लोगों का भी है और कि हमारे रामलला के लिए पूरा विश्व आज एकत्रित होकर के आनंद ले रहे हैं। और जैसे मोहन शरण जी शास्त्री जो इनका कहना है कि आज पुनर्निर्माण मंदिर का हो रहा है और पुनर्विश्व निर्माण हो रहा है और वसुदेव कुटुंब की जो अपनी पुरानी मान्यता थी वो साकार होने जा रही है। मैं भगवान श्री राम का जहाँ जन्मस्थान था वहाँ 450 वर्षों से विवाद बना हुआ था, जिसमें कई श्रद्धालुओं ने, कई संतों ने, कई शूरवीरों ने अपना बलिदान दिया। आज वो महत्वपूर्ण क्षण उपस्थित हुआ है। इस उपलक्ष्य में मैं संपूर्ण विश्व को अपनी ओर से मंगल कामना देता हूँ। हम बात करते हैं भीलवाड़ा के गोभक्त गोसेवक अशोक जी कोठारी से, इनको कैसा महसूस होता है? सर आज का दिन तो बहुत ही शुभ और ऐतिहासिक दिन है कि हमारी कई सदियों के संघर्ष के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प और करोड़ों देशवासियों का संकल्प आज पूरा होने जा रहा है। इससे बड़ी और क्या खुशी होगी कि आज से ही राम राज्य की स्थापना हो रही है और दूसरी तरफ हम विश्व गुरु होने की तरफ भी बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत होगी। इससे सुंदर दिन, सुंदर क्षण कोई नहीं हो सकते हैं। पिछले 70 सालों से धारा 370, तीन तलाक और ये राम मंदिर, कई मुद्दे सुलझ गए। अब आप गौ सेवा के लिए कटिबद्ध हैं तो आप क्या चाहेंगे कि अब गौ हत्या भी बंद हो?
सर अभी तक जो कार्य अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने किए हैं वो एक अकल्पनीय है। वो हर एक कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो 370 का रहा हो, 3 तलाक रहा हो, प्रभु का राम मंदिर का निर्माण रहा हो। तो उनके लिए जितना उनको साधुवाद दिया जाए उतना कम है, और उन्हें जो किया है हम उनको नमन करते हैं, वो हम ही नहीं करते, पूरा देश आज उनके उनको पूरा नमन करता है। हम आपसे एक चीज़ की और उम्मीद रखते हैं, वो अपने देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज भारत की भूमि पर गोहत्या, अभी तक गोहत्या का कार्य बंद नहीं हुआ है। तो हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि गोहत्या का प्रतिबंध पूरा बंद, गोहत्या एक गोमाता का भी एक रक्त भी अपनी धरती पर न गिरे, पूर्ण रूप से गोहत्या बंद हो। तो ये थे अशोक जी कोठारी, जो चाहते हैं कि इस शुभ घड़ी बहुत इनको प्रसन्नता है, मगर ये चाहते हैं कि अब भविष्य में मोदी जी गोहत्या प्रतिबंध की तरफ भी ध्यान देके और इसको भी बंद कराएं गोहत्या को। मुरली मनोहर सेन, लोकवाणी, भीलवाड़ा। अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण की जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा जो आज भूमि पूजन के दौरान जो शिला रखी गई है उसको लेकर पूरे भिलोड़ा शहर में भी दीपावली जैसा माहौल है। अभी हम आए हैं राम द्वारा के अंदर, जहां हम देख सकते हैं कि किस प्रकार यहां रोशनी की हुई है और यहां पर जमकर आतिशबाजी कर लोग दीपावली जैसा उत्सव मना रहे हैं और श्री राम के यहां नारे लगाए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय रामश्रेय संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामदयाल जी महाराज से भी उनके हम विचार जानना चाहते हैं कि इस जो भव्य आयोजन जो अयोध्या के अंदर हुआ है उसको लेकर उनके क्या विचार है। भारत की धरती पर आज जो आनंद, हर्ष, उमंग और जो वातावरण है, विश्व के किसी भी डिक्शनरी में, शब्दकोश में उसकी ओपा देने के लिए कोई शब्द नहीं है। शब्द शास्त्र भी केवल उसी प्रकार प्रणाम कर रहा है जिस प्रकार राम और राष्ट्र की आस्था, श्रद्धा और निष्ठा के मूर्त रूप हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री महाभाग नरेंद्र जी मोदी आराध्य राम के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ये मात्र केवल प्रधानमंत्री जी की प्रणाम नहीं, 130 करोड़ लोगों ने मानो एक साथ प्रणाम की हो। विलक्षण क्षण था, अनंत आंखों ने जब मर्यादा, संस्कृति, धर्म चरित्र का दर्शन किया तो सबकी आंखें एक बार नम हो गई, हृदय भाव विहोर हो गया। वस्तुतः ये सृजित सीरियल है, आप और हम केवल एक मोक दृष्टा हैं। राम मंदिर का शिला पूजन उस इतिहास को रच रहा है। 15 अगस्त अगर देश की आज़ादी का महोत्सव है तो 5 अगस्त संस्कृति का, आज़ादी का ऐतिहासिक गर्व गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। माननीय मोदी जी के हाथ से ही ये काम होना था, राम को मंजूर था। ये शिला पूजन, ये भूमि पूजन, ये ऐतिहासिक राम मंदिर की शुरुआत करोड़ों करोड़ों आस्थावान आराध्य राम चरणानुरागियों के अंतकरण की जीत है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज भारत की माटी का कण कण तो प्रसन्न है, पर संपूर्ण विश्व में भी आज प्रसन्नता की लहर है। आज
जगत गुरु आचार्य रामदयाल जी महाराज ने जिस प्रकार बताया कि 500 वर्षों के कालखंड के अंदर लाखों ज्ञात अज्ञात बलिदानियों का बलिदान का आज प्रतिफल हमें देखने को मिला है और उन्हीं के बदौलत आज ये जो सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हुआ है और आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार यहाँ दीपावली सा माहौल बना हुआ है और लोग राम जन्मभूमि के जो शिलान्यास भूमि पूजन का जो आयोजन हुआ है उसको लेकर पूरे देश के अंदर आज खुशी का माहौल है। लोग जमकर मिठाई बांट रहे हैं और आतिशबाजी कर रहे हैं। देश में आज जो 5 अगस्त का जो दिन है निश्चित ही आज दीपावली के रूप में मनाया जा रहा है। राम द्वारा के अंदर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ जो दीप जलाकर दीपावली का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। लोकवाणी के लिए भिलोड़ा से प्रहलाद तेली।